कोरोना के चलते और लो टीआरपी की वजह से मुझसे शादी करोगे शो ऑफ एयर हो चुका था, तो चैनल ने अनाउंस किया था कि 23 मार्च यानी रात 10 बजे से बिग बॉस 13 फिर से टेलीकास्ट करेंगे। तो कल यानी 23 मार्च रात को 10 बजे बिग बॉस 13 फिर से टेलीकास्ट हुआ। तो इस बात पे दर्शक तो अपनी राय जता रहे हैं, पर इस बारे में जब बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा हम आपको बता दें। तो इस बात पे सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ने अपने लाइव चैट दरमियान कहा कि हम हमारी बिग बॉस में हुई एंट्री को देख के काफी खुश है। तो शेफाली जरीवाला से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि यस मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, ये सीजन तो काफी हिट रहा था, यहाँ सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे, तो शो को एज ऑडियंस देखने के लिए मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। तो रश्मि से इस बारे में बात की तो रश्मि ने कहा कि मैं दुविधा में हूँ पर मैं काफी एक्साइटेड भी हूँ। वैसे तो हम जानते हैं कि इस शो के दरमियान रश्मि के पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफी खुलासे हुए थे, तो इसलिए रश्मि ने कहा कि वो एक्साइटेड तो है पर कंफ्यूज्ड है। तो आसिम रियाज ने अपने बिग बॉस के एंट्री के फोटोज शेयर किए है, तो वही हिमांशी ने अपने सोशल मीडिया पे शो के चालू होने की खबर देते एक्साइटमेंट जताई थी। तो शेफाली बग्गा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते एक्साइटमेंट जताई थी, तो वही आरती सिंह ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया और कहा कि हम भी हमारे कांड आपके साथ देखेंगे, स्टे ट्यून्ड। तो देवोलीना ने अपने पोस्ट में उनके घर में हुई एंट्री से लेकर उनकी मेमोरी शेयर की है और एक्साइटमेंट जताई है। तो दलजीत कौर ने सलमान के साथ हुई उनकी एंट्री को लेकर वीडियो शेयर की है और अपनी खुशी जताई है कि दिस इज द बेस्ट एवर एक्सपीरियंस। तो कुल मिला के आपको बता दे बिग बॉस 13 के ये कंटेस्टेंट्स काफी खुश है शो को फिर एक बार एज अ ऑडियंस देखने के लिए। तो आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और शो की ऐसी ही गॉसिप्स को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।